हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ मैथ्स मैजिक का शेप्स एंड टावर पे है, जो कि हमारा चैप्टर टू है। तो इसमें जो आपकी हमने इससे पहले शेप पढ़ी कि जो एंगल चेंज नहीं होता है वो ट्रायंगल का होता है, तो इसीलिए ये पूछा गया है कि जो भी आपके जो कहते हैं ना, एक मजबूत आपकी जो चीज़ें बनाई जाती है, जो ब्रिज हो गया, आपके टावर्स हो गए, ब्रिज हो गए, तो ये चीज़ें आपकी ट्रायंगल शेप में ही बनी होती हैं। इनमें जो आपके जो वो लगे होते हैं ना, बिम बोलते हैं जिन्हें, तो बैनर ट्रायंगल शेप में होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वेयर ट्रायंगल आर यूज। तो एक तो स्टैंड्स हैं, आपके जो स्टैंड होते हैं कैमरा के स्टैंड वगैरह, ये भी आपके ट्रायंगल्स, और आपकी सीढ़ी होती है जो आप देख सकते हैं इस तरीके से होती हैं, जो पेंटर होते हैं तो उनकी सीढ़ियाँ भी इसी तरह से होती है, ट्रायंगल में होती हैं, जो कि क्या है, मजबूत मानी जाती हैं। तो ट्रायंगल एक ऐसी शेप है जो आपकी बाकी सारी शेप हो, रेक्टेंगल हो, चाहे आपके स्क्वायर्स हो, इन सारी शेप से सबसे ज़्यादा मजबूत शेप आपकी मानी जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा एंगल एंड टाइम पे है, तो इसमें एंगल और टाइम आपको दिखाना है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, देयर आर मेनी टाइम्स इन अ डे वेयर, मतलब आपको क्लॉक पे आपको राइट एंगल दिखाना है कि किस ढंग से आप राइट एंगल बना सकते हो क्लॉक पे, घड़ी पे टाइम दिखाना है कि ये कितना बज रहा है, राइट एंगल कहाँ पे होगा। सेकंड है, यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आपको यहाँ पे हैंड्स दिए गए हैं, आपको एंगल्स के मींस आपको घड़ी के दिखाई दिए गए हैं, और आपको यहाँ पे बताने हैं कि आपके कौन कौन से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चैप्टर जो हमारा जो क्लास फिफ्थ है, इसमें सिर्फ तीन ही एंगल्स की बात हो रही है, राइट ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल। तो जो अपना फर्स्ट है वो है हमारा एक्यूट एंगल, और इसमें टाइम हो रहा है 7:25 हो रहा है। नेक्स्ट जो आपकी क्लॉक है ये है ऑब्ट्यूज है, और इसमें 8:15 टाइम हो रहा है। थर्ड वाले में भी ऑब्ट्यूज है, इसमें 9:10 हो रहा है। फोर्थ भी आपका ऑब्ट्यूज है जिसमें 9:25 है। ऑब्ट्यूज मीन्स आप याद रखिए कि जो ग्रेटर देन राइट एंगल होता है। और जो आपका नेक्स्ट फिफ्थ वाला है लास्ट, उसमें एक्यूट एंगल है, उसमें करेक्ट 10:10 जो नेक्स्ट है उसमें है ड्रॉ द हैंड ऑफ द क्लॉक। अब आपको यहाँ पे क्लॉक के हैंड आपको दिखाने, मीन्स आपको सुइयाँ बतानी है कि कैसे करके लेस देन राइट एंगल होगा, मीन्स आपके एक्यूट एंगल बनने चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 150 एक टाइम लिया है, सेकंड वाले में हमने 12:05 लिया है, 12:05, और थर्ड वाले में हमने 9:55 लिया है। नेक्स्ट जो है आपका ये आंसर है, पेज नंबर 19 का पजल है ये, आपको मैच स्टिक से कुछ जो आपको बनाने के लिए दिए हुए थे शेप्स वो हैं। तो इसके बाद जो है वो है डिग्री क्लॉक। तो इसमें जो है कैरम बोर्ड में खेल रहे हैं अपोअर के टू, तो इनमें जो आपको बताना है कि कैसे वो हिट करेंगे, मीन्स कितने एंगल्स पे वो हिट करेंगे कि आपका वो क्वीन को हिट हो जाए, आपका जो सारे के सारे तीनों के तीनों जो हमारे एक्यूट एंगल्स बनेंगे इस तरीके से हिट करेंगे गुटी को। नेक्स्ट जो आपका एक्टिविटी है पेज नंबर 31 में, इसमें तो ऊपर आपको एक्टिविटीज़ दी गई हैं और आपको ड्रॉ करते रहना है। तो इसमें जो एक नाइन्थ वाला क्वेश्चन का यहाँ पे है कि कैन यू गेस हाउ मैनी डिग्री इन द एंगल विच यू, अच्छा ये तो खैर दूसरा है, इसमें है 1/2 ऑफ राइट एंगल आपको 45 हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल हमारा 90 होता है। 1/3 आपका 30 डिग्री हो जाएगा, 2 times ऑफ राइट एंगल आपका 180 डिग्री हो जाएगा। आगे भी आपको पेज फोल्डिंग प्रोसेस है, और यहाँ पे आपके एंगल्स विथ योगा है, मीन्स जब हम योगा की जो पोजिशन हम बनाते हैं तो आपको उनमें फाइंड आउट करना है कि कितने एंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक डी गेम है, डी मतलब आपका जो जिसे हम हिंदी में चांदा बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में डी ही बोलते हैं, क्योंकि डी की शेप में होता है, जिसमें आपको सारे के सारे एंगल्स आपको दिखाए होते हैं कि, और आपको फाइंड आउट करना होता है, या फिर आपको कई बार उसी की हेल्प से आपको एंगल्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पे है द वन विद द लोएस्ट स्कोर विल बी विनर। ओके, आपको गेम कराना है और आपको एक एंगल बताना है, और आपको गैस करना है कितना होगा, और अगर मेजरमेंट में भी वही एंगल उतना ही होगा तो आपको इस और आप जीत जाओगे, इस तरीके से आपको गेम करना है। तो यहाँ पे एक हम एक एक्यूट एंगल ले लेते हैं, लेट हमने मान लिया 50 है, और हमने जब डी से इसे देखा, मतलब डी से जब हमने वेरीफाई किया, तो तब भी ये 50 डिग्री का ही था, तो इस वजह से हमारा स्कोर हो गया 1। तो इस तरीके से जो भी मतलब विनर होगा, तो ये एक तरफ से गेम बच्चों के लिए रखा गया है यहाँ पे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो डी होता है किस तरीके से काम करता है, वो इस तरह डी की शेप में होता है, इसमें जो मिडिल पार्ट है वो आपका राइट एंगल होता है। ओके, इसमें जो मिडिल पार्ट है वो आपका राइट एंगल होता है। नेक्स्ट इधर आपका जो लेस देन राइट एंगल है वो एक्यूट होंगे, और ग्रेटर देन राइट एंगल आपके ऑप्शन, और जो ये स्ट्रेट लाइन जो सबसे नीचे एक लाइन जाती है वो 180 डिग्री की होती है, यानी स्ट्रेट लाइन होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।